गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में त्रयोदश पाठ गुड मॉर्निंग मैम इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ का मैं सबको कौन सा चैप्टर? पाठ 13 रामगिरी रामगढ़म, ठीक है। यस मैम। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा? मैं रीड कर रहा हूं। कौन रीड कर रहा है? मैं आकृति रहा है। हाँ ठीक है, रीड करो। रीड करो मैम। ओके ओके, रीड करिए। यस मैम। छत्तीसगढ़ प्रदेश से उत्तर से दिशी मुकुट मेव सरगुजा मंडल उत्तर श्याम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तर श्याम नहीं है वो, उत्तर श्याम दिशी मुकुट मेव सरगुजा मंडल मंडल मस्तित स्थित मस्तित नगम भू बोदय वंदे सोभामपि भार यति अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति तेषु अन्यतमं रामगिरी रामगढ़म। मैम हो गया? ओके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग रीड कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से उत्तर श्याम दिशी मुकुटमीव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर श्याम दिशी मतलब उत्तर दिशा में, मुकुटमीव मतलब मुकुट के समान, जैसे राजा महाराजा लोग अपने सिर पर जो ताज पहनते हैं वह क्या होता है, मुकुट होता है। तो उसी तरह मुकुट के समान या ताज के समान सरगुजा मंडल, ठीक है, जिसको सरगुजा मंडल मतलब होता है जिला, स्थित मस्ती मतलब स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्न गर्भ भूभागो अयम वन्य शोभामपि धारयति। रत्न गर्भ मतलब जो रत्न होते हैं, ठीक है। गर्भ मतलब भूभागो अयम मतलब भूमि के गर्भ से, भूमि के अंदर से, ठीक है। जो उसमें क्या है, भूमि क्या है, ये रत्न को कहां अपने अंदर धारण की हुई होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है वन्य शोभामपि। वन्य शोभामपि मतलब वन्य शोभा मतलब जो वन है वो क्या करते हैं, शोभा को भी धारण करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। जिसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ करिए, माइक कोई कोई भी ऑन नहीं करेगा, ओके। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि रत्न को अपने गर्भ में, जितने भी रत्न होते हैं उन सभी रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही सारे रत्न होते हैं, तो उस हिस्से का बताया जा रहा है सरगुजा जिले में कि रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई है ये भूभाग और वन्य शोभा को भी धारण करती है। उसके बाद बोला गया है इदम स्थानम, नहीं सॉरी एक लाइन रह गया, अत्र अनेकानी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानी संति। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अनेकानी मतलब अनेक, ऐतिहासिक पुरातात्विक मतलब ऐतिहासिक पुरातात्विक क्या है यहाँ पर, स्थल है। तेषु अन्यतम रामगिरी रामगढ़म इति स्थानम अंबिका पुरात पंच त्वारिंशत किलोमीटर दूर दक्षिण दिशे वर्तते। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, इनमें से एक क्या है, रामगिरी भी है। क्या है, एक रामगिरी। अब यह स्थान अंबिकापुर से कहाँ है, पंच चत्वारिंशत मतलब 45 किलोमीटर, कितना, 45 किलोमीटर जो है दूर दक्षिण दिशा में है, ठीक है।
रामगढ़ पर्वते हस्ती पोल जिसको हाथी पोल भी कहते हैं, सीता वेंगरा, जोगी माड़ा, लक्ष्मण वेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रामगढ़ पर्वत पर क्या है, हाथी पोल, सीता वेंगरा, जोगी माड़ा, लक्ष्मण वेंगरा आदि महत्वपूर्ण स्थान है। फर्स्ट पैराग्राफ सबको समझ में आया? यस मैम। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बोला कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की उत्तर दिशा में क्या है, मुकुट के समान कौन है, सरगुजा जिला स्थित है, जो अपने रत्न अपने गर्भ में क्या धारण किया हुआ है, रत्न को धारण किया हुआ है और वन्य शोभा को भी धारण किया हुआ है। यहाँ पर अनेक पुरातात्विक स्थल है जैसे कि रामगिरी इनमें से एक है। यह स्थान कहाँ है, अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। रामगढ़ पर्वत पर हाथी पोल, सीता वेंगरा, जोगी माड़ा, लक्ष्मण वेंगरा आदि ये सारे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, हस्ती पोल से। ठीक है, तो हस्ती पोलेती से यहाँ पे शुरू होगा और कृतम पे खत्म होगा। चलिए सेकंड पैराग्राफ कौन रीड करेगा? मैं रीड करूं। कौन बोल रहा है? कौन रीड करेगा? आपने अभी रीड किया था ना बेटा, दूसरे स्टूडेंट करेंगे। हिमांशु चंघेल, हिमांशु जंगेल आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। ओके, आप सेकंड पैराग्राफ। मैं इधर विलेज में हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत आ रहा है जा रहा है, मेरा आवाज बहुत कटेगा। पुष्कर पटेल पुष्कर पटेल निदा परवीन। यस मैम। बेटा सेकंड पैराग्राफ रीड करिए। यस मैम। कहाँ से? मैंने टिक मार्क किया हुआ है बेटा, ये देखिए टिक मार्क आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इंदिरा रत्नीमा मैम यही से ना, हस्ती पोलेती से पढ़ना है आपको। हस्ती पोलेती 180 फुट परिमिता प्रकृति कसुरा दीघा का प्राकृतिक सुरंगी का अस्ति असे अंत भाग सोता प्रवाहिति अतव एक शीतल जल कुंडा वर्त्रते यत सीता कुंड्रामिति कसयते अत्र श्रीराम वनवास कले की किंचित काल अदनायवसत विसा कवि कालिदास अत्नि सन मेघदूतम इति का अदवयस्य रचनाम करोत काव्यस्य रचनाम करोत तेन दूत काव्ये सीताया स्नानेन अत्र त्याज्यलानि पुण्यानि सर्व स्निग्ध छाया इति रामगिरेः वर्णनम् कृतम्। चलिए ठीक है, आप अपना माइक ऑफ करिए। देखते हैं क्या बोला गया है। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगी का अस्ति। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, हस्तिपोलेति मतलब हाथी पोल के बारे में बताया गया है कि 180 फुट परिमाण की हाथी पोल प्राकृतिक सुरंग है। क्या है? 180 फुट परिमाण की, मतलब परिमिता मतलब क्या होता है, परिणाम जो होता है वो होता है परिमाण। उस परिमाण की हाथी पोल जो है, हाथी पोल नाम की एक प्राकृतिक यहाँ पर
तुरंग है जो प्रकृति से बनी हुई है, हमने उसे नहीं बनाया। अस्य अंतर्भागे स्रोत प्रवहति, इसके अंदर क्या है, पानी का स्रोत है जिसको आप बोल सकते हो झरना, इसके अंदर झरना बहता है। अत्रैव एकम शीतलम जलकुंडम वर्तते, यहाँ पर एक शीतल क्या है, जलकुंड है। यत यत सीता कुंडमती कहते, इस कुंड को क्या कहा जाता है, सीता कुंड कहा जाता है। ठीक है, ये जो कुंड है वो क्या कहलाता है, सीता कुंड कहलाता है। अत श्री राम वनवास काले किंचित काल निवसत, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वनवास काल में यहाँ पर अत्रैव सन मेघदूतम इति काव्यम रचनाम करोत, विश्व कवि कालिदास जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व कवि कालिदास जी ने यहाँ पर निवास करते हुए मेघदूत जो उनका एक काव्य है उसकी रचना की। तेन दूत काव्ये सीताया स्नानेन अत्र त्याज जलानी पुण्यानी तर्व स्निग्ध छाया इति रामगिरे वर्णनम कृतम, उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की जल की पवित्रता, वृक्षों की घनी छाया का रामगिरी में वर्णन किया हुआ है। मतलब उनके जो दूत काव्य है उस दूत काव्य में उन्होंने क्या बताया कि सीता के स्नान से यहाँ का जो जल है वो क्या हो गया, पवित्र हो गया, और वृक्षों की घनी छाया का रामगिरी का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ भी सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से आपका थर्ड पैराग्राफ शुरू हो रहा है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं क्या बोला है। हस्ती पोल सुरंगिको परी एका नाट्यशाला अस्ति जनाः याम सीता वेंगरा इति कथ्यति, पुरातत्व विदः सीता वेंगरा गुहाम ख्रिस्ताब्दात द्वितीय तृतीय वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते, इयम नाट्यशाला वृत्तशिलां कर्तित्वा निर्मित्वा अस्याम रूपांकनम भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम, इयम नाट्यशाला आयताकार अनुमानतः आयामः 44 फुट विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्र परिमिता, अस्या भित्तय सरला द्वारम गोलाकारम अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति, अस्याम उपयोग नाट्यस्य कृते अभवत ब्राह्मी लिपिया उत्कीर्ण एक शिलालेख अस्ति, अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति, अस्याः अनुसंधानम 1848 ख्रिस्ताब्दे कर्नल औस्ले इति महाभागेन कृतम। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या बोला गया है। हस्तीपोल सुरंगिको अपि एक नाट्यशाला अस्ति, मतलब हाथीपोल सुरंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाथीपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है। जनाः यहाँ सीता वेंगरा इति कथ्यन्ति, जिसको लोग यहाँ पर सीता वेंगरा कहते हैं। पुरातत्व विदः सीता वेंगरा गुहाम ख्रिस्ताब्दा द्वितीय तृतीय व शताब्दी पूर्व प्राचीनतम नाट्यशाला इति मन्यते, मतलब पुरातत्व ने जो इसको मतलब ज्ञात किया तो उसके अनुसार बताया कि सीता वेंगरा गुफा को दूसरे या तीसरे ईस्वी शताब्दी के पूर्व प्राचीन नाट्यशाला मानते थे, मतलब बहुत पहले की ये क्या है, नाट्यशाला है। इयम नाट्यशाला वृहित शिलां कर्तित्व निर्मिता, मतलब ये जो नाट्यशाला है यह नाट्यशाला बड़ी चट्टानों को काटकर निर्मित की गई है या बनाई गई है। अस्य रूपांकनम भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम, इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किया गया है। इयम नाट्यशाला आयताकार, मतलब ये जो नाट्यशाला है वो कैसी है, आयताकार है। इसकी अनुमानित लंबाई 44 फुट की है, चौड़ाई 15 फुट की है, और इसकी दीवारें जो है वो सरल मतलब सीधी, द्वार जो उसका दरवाजा है वो गोलाकार है, भीतरी भाग में पत्थर के आसन मतलब जहां पर बैठने का स्थान होता है उसको पत्थर के आसन बोले गए हैं। ठीक है, अस्य उपयोगे नाट्यस्य कृते अभवत, ये जो आपको यहाँ पर एक नाट्यशास्त्र शाला जो मिली थी इसका उपयोग नाटक के लिए होता था।
ब्राह्मी लिपि मत किरण एक शिलालेखो अस्ति, मतलब ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख भी यहाँ पर है, जिसमें कौन सी लिपि से लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि से। अस्य भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति, यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अस्य अनुसंधानम 1838 ख्रिस्ताब्दे कर्नल आउसले इति महाभागेन कृतम, इसकी खोज जो है वो कब हुई, 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले जी ने की थी। किसने की थी, कर्नल आउसले जी ने की थी। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आप सभी को समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। सीता विंग्रह गुहाया, ये वाला सेकंड पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। सीता विंग्रह गुहाया पार्श्वे अन्य गुहा जोगी माड़ा अस्ति, मतलब सीता विंग्रह गुफा जो है, पार्श्वे मतलब जस्ट उसके बगल में, बगल वाली गुफा की बात की जाए तो बगल में अन्य गुफा जो है जिसका नाम है जोगी माड़ा। ठीक है, अस्य भित्ते, भित्ते मतलब होता है दीवार, इसकी जो दीवारें हैं वज्रलेपन प्रालिप्ता संति, मतलब इसकी दीवारें वज्रलेप से लिपी हुई हैं। क्षिति भित्तेषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नार नारी देव दानव योद्धा हस्तिनाम चित्राणि संति, छत और दीवारों में पत्ते फूल पशु पक्षी नर नारी देव दानव युद्ध के हाथी आदि का क्या है, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। एषां भित्ति चित्राणां विशिष्ट महत्व अस्ति, इन दीवार के चित्रों का विशिष्ट महत्व है। भित्ति चित्राणां प्रकाशनम 1904 ईस्वी ये डॉक्टर ब्लास भारतीय चित्रकलाय विज्ञ आर ए अग्रवाल महाभाग च अकुरुताम, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन दीवार के चित्रों का जो विशिष्ट महत्व है, वो दीवार के चित्र का जो प्रकाशन है, मतलब दीवार के चित्रों के बारे में जो बताया गया वो कब हुआ, 1904 ईस्वी में हुआ, जिसको किन्ने बताया, डॉक्टर प्लास और भारतीय चित्रकाल के जो चित्रकला के जानकार हैं आर ए अग्रवाल महोदय ने, उन्होंने किया। अस्य पाली भाषायाम एक शिलालेख उत्कीर्ण, यहाँ पर जो एक शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा में, पाली भाषा में एक शिलालेख यहाँ पर खुदा हुआ है। शिलालेखे रूपद देवदीनस्य देवदासी सुत नुकाया प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिलालेख पर रूप दक्ष देवी दीनस्य देवदासी सुतनुकाया या सुतनुकाया की प्रणय गाथा का वर्णन, मतलब वहां पर जो एक बड़ी सी शिलालेख जो मिली है जो कि पाली भाषा में लिखी गई है, उस पाली भाषा लिखी हुई शिलालेख में क्या है, रूप दक्ष देव दीनस्य देवदासी जो है सुतनुकाया की प्रणय गाथा का वर्णन वहां पर किया गया है। इतना सबको समझ में आ गया? यस मैम। अगला देखते हैं, जोगी मारा गुहाया अग्रभागे अपरा लक्ष्मण वेंगरा गुहा अस्ति, जोगी मारा जो गुफा है उसके आगे, उसके आगे हम जिस जाते हैं अग्रभागे, मतलब आगे की तरफ यदि जब हम जाते हैं तो दूसरा आपको दिखाई देता है जिसका नाम है लक्ष्मण वेंगरा गुफा। ठीक है, पर्वतस्योपरि एकम सिंह द्वारम अस्ति, पर्वत के ऊपर जो है वो एक सिंह द्वार है, सिंह द्वार मतलब शेर जैसा द्वार। द्वारस्य प्रस्तर वृहदा कारो अस्ति, मतलब द्वार के पत्थर का जो आकार है वो क्या है, बहुत ही वृहद मतलब बड़ा है। अत्र मूर्ति मंदिर तड़ाग अवशेष प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्, वहां मूर्ति मंदिर तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में क्या था, एक किला था। ठीक है, उसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं, रामगिरी वन देव्याः ललितपुर इतिहासस्य संधाता संस्कृत, रामगिरी पर्वत वन देवी का है और ललितपुर के इतिहास का, तथा भाषायश्च स्वर्णिम काल दृष्ट अस्ति, संस्कृत भाषा का स्वर्णिम काल है। अत्र आषाढ़ मासस्य
प्रथम दिवस छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी च आयोजते। मतलब यहाँ पर आषाढ़ मास के पहले दिन क्या होता है, छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी का गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है और विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। आयोजने संस्कृत भाषाया विद्वांस इतिहास विद पुरातत्व विद जनान उद्बोधयन्ति। इस आयोजन में संस्कृत के विद्वान, इतिहास जानने वाले वेत्ता, पुरातत्व के ज्ञाता, इन लोगों को उद्बोधित किया जाता है। तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्योयम् यत् रामगिरित्वेय। ठीक है, मतलब यहाँ पर विचार विमर्श होता है कि इस प्रकार रामगिरी क्या है, अद्भुत है। क्या विचार किया जाता है, तर्कयन्ति विचारयन्ति से यह विमर्श किया जाता है कि इस प्रकार रामगिरी यहाँ पर क्या है, एक अद्भुत है। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. चलिए, तो इस पार्ट के अनुवाद को आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए। ठीक है, फिर इसके कल हम लोग इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। Yes, ma'am.